अच्छा ये बताइए कितना पेज लिखे हैं भाई साहब? 32 पेज। 32 पेज का था 36 पेज लिख दिया है। 32 पेज का था 36 पेज आप लिख। जो लोग मजा लेते हैं उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, जब अब उनके ऊपर पड़ेगा तो खुद समझ जाएंगे। घर पे 2:30 बजे तक खाना ना खाते थे तो क्या होता था? अरे बहुत कुछ होता था, झगड़ा भी होता था कि खाना क्यों नहीं बना, खाना क्यों नहीं मिला। देख सकते हैं ना, रहने का व्यवस्था है सही से, ना सोने का व्यवस्था है, ठंडी का मौसम है। नमस्कार, मैं नितेश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हम परीक्षा देने आए छात्रों के रूम पे मौजूद हैं। आप इनकी दर्द भरी कहानी सुनेंगे तो आप भी रो देंगे, आपका भी रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, जब बच्चा सफल हो जाता है, जब सफल हो जाता है तो लगातार लोग बधाइयाँ देते नहीं थकते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों या घर वाले हों या कोई नेता मंत्री कोई अफसर हों, लगातार लोग बधाइयाँ देते थकते नहीं हैं। आज आप दिखाइए, टाइम कितना हो रहा है? 2:37। 2:37 हो रहा है, ये लड़का को दिखा सकते हैं कि 2:37 पे आटा सान रहा है ये लड़का। कोई लड़का गैस जला रहा है तो कोई ये सब्जी काट रहा है, दिखा सकते हैं। और ये सोने का स्थिति दिखाइए कि यहाँ पे बच्चा किस तरह सोता है। लोग सफलता तो सब कोई दिखता है, देख सकते हैं ना, रहने का व्यवस्था है सही से, ना सोने का व्यवस्था है, ठंडी का मौसम है। और इस ठंडी के मौसम में दिखाइए आप कि ये क्या हो रहा है। ये देखिए बच्चा एक ये प्लास्टिक बिछा करके सो रहा है सब। और देखिए ये इनका किचन है, आप दिखा सकते हैं, ये इनका किचन है, इसी में ये लोग एडजस्ट कर रहा है। और यहाँ पे जूता चप्पल वगैरह भी रखा है, सब कुछ अपना अपना थोड़े थोड़े जगह में एडजस्ट किया हुआ है लोग। बाकी हम क्या कहें इनकी दर्द भरी कहानी को, कैसा लग रहा है जी? बहुत ख़राब लग रहा है जी, क्या कर सकते हैं, परीक्षा देने आए हैं, कुछ भी करना पड़ेगा, खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। घर पे 2:30 बजे तक खाना ना खाते थे तो क्या होता था? अरे बहुत कुछ होता था, झगड़ा भी होता था कि खाना क्यों नहीं बना, खाना क्यों नहीं मिला। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने बनाना अपना खाना है, अपना दर्द किसी से बताना, किसी से बताना भी नहीं है, किसी बोलना भी नहीं है, अपना आंसू चुरा भी लेना, चुरा भी लेना है, छिपाना भी है, किसी से बताना भी नहीं है। क्या अभी तो नाश्ता भी नहीं हुआ होगा जी? नहीं। अच्छा, देखिए और भी मेरे भाई हैं एक आदमी, तब काजी रोटी बनाने आ जाता है और क्या है? आ जाता है, मजा आ रहा है? नहीं, मजा तो अपने ऊपर पड़ेगा तो करना, रोटी गोल हो जाता है जी, हो जाता है। आप दिखा सकते हैं कि भाई किस तरह, कितना दर्द, इनकी आंखों में आंसू भरा हुआ है। रोटी जलता उलता नहीं है जी? नहीं नहीं जलता। भूख लगल है पेटवा में? भूख लगल है पेटवा में? नहीं, क्यों लगेगा? नहीं, आज घर का याद आ रहा है कि ना? सही सही बताइए भाई। आ रहा है? आ रहा है, घर का याद होता है? हाँ। क्या लगता है, मम्मी रहती तो बढ़िया बढ़िया रोटी मिली ना? अच्छा ये बताइए कि घर पे आए तक ऐसा स्थिति में रहते थे आप? नहीं नहीं। परीक्षा देने आए तो और लोगों को क्या कहिएगा? जो लोग मजा लेते हैं उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, जब अब उनके ऊपर पड़ेगा तो खुद समझ जाएंगे, जिसके सर पे पड़ेगा। और क्या, हाँ, इंसान बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अच्छा, नाश्ता उस्ता हुआ कि ना भाई? नाश्ता हो गया, खाना आपके लिए हो, आ गए तो सोचे कि चलो हम लोग भी। मेरे लिए नहीं बनाइए भाई? नहीं नहीं। क्या आज पूरा एकदम घर याद आ जा रहा है ना? हाँ, घर याद आ जा रहा है। थोड़ा सा इनके रोटी को दिखाइए, कितना बेचारा गोल रोटी बनाया हुआ है, दिखा सकते हैं आप? ये हाथ नहीं ना जलेगा जी? नहीं नहीं, आप दिखा सकते हैं। अच्छा भाई, शादी होगा तो औरत को तो नहीं बनाना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, अब बना के खिलाइएगा? अरे नहीं नहीं, हाँ, वो बना के खिलाएगी, हम क्यों बना के खिलाएंगे? तो बोलेगी कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? बोलेगी नहीं बनाइएगा तो बेलने बेलने मारेंगे, तब क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। दिखाइए सर ये स्थिति, मुझे लगा कि इस दृश्य को मुझे दिखाना चाहिए। इधर कैमरा जूम करके दिखाइए, बच्चा खिचड़ी बनाया हुआ है और खिचड़ी पूरा सूख गया है। और देखिएगा तो आप भी क्या बताएं इस दर्द को। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कहीं सोयाबीन रखा है तो कहीं हल्दी रखा है तो कहीं नमक रखा है तो कहीं आलू रखा है। लोग जब घर पे रहते हैं तो अपने किचन को देखते हैं कितने भव्य तरीक़ा से सजा करके रखते हैं। अपने किचन में कोई चप्पल प्रवेश जूता नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जूता चप्पल भी रखा जा रहा है, यहाँ पे गैस जल रहा है, यहाँ पे भाई साहब रोटी बना रहे हैं। देखिए ये बेचारों इतने रोटी बना रहे हैं, अकेले आटा सान हैं, वो भी गोल बना रहे हैं। हमको लग रहा है कि उतना तो सुंदर लड़कियाँ रोटी नहीं बना पाएगी ना जी? बनाएगी लोग? बनाएगी बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी? सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ता है ना जी? और क्या है? और क्या,
सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सफल होने के लिए कुछ जब खुद अपने कपार पे पड़ेगा तो खुद अपने वो याद आ जाएगा। अच्छा ये बताइए पेपर कैसा गया? बढ़िया गया। फार दिए हैं? और क्या, गर्दा उड़ा दिए हैं। गर्दा उड़ा दिए? हाँ। कितना नंबर आ जाएगी? आए 70-75 नंबर से कम नहीं आएगा। 70-75 नंबर आ जाएगा? हाँ। अच्छा कॉपी पे जो आप आंसर लिखे हैं कॉपी चेक करने वाला हैरान होगा कि नहीं? एकदम हो जाएगा। क्या क्यों है? गर्दा उड़ा दिए हम लोग। गर्दा उड़ा दिए? हाँ। अच्छा ये बताइए कितना पेज लिखे हैं भाई साहब? 32 पेज। 32 पेज के था 36 पेज लिख दिए हैं। 32 पेज का था 36 पेज अपनी? हाँ हाँ हाँ। तो 4 पेजों कहाँ से है? चार पेज वो क्या बोलते हैं दिमाग 60 के लिखे? हाँ नहीं 60 के नहीं, वैसे मतलब लिख दिए, मतलब 32 पेज का था एक पर 36 पेज अपने सजा के लिख दिए हैं। अच्छा तब तो कॉपी चेक करने वाला भी हैरान हो जाएगा। हाँ 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 एकदम मजा आ रहा था ना जी लिखने में। और क्या, कलम का स्याही खत्म हो गया होगा? नहीं स्याही कैसे खत्म हो जाएगा है, लेकिन आज याद आ रहा है घर का ना जी। हाँ दिखा सकते हैं बेचारों के आँख में आंसू आ गया है दोनों आँख में, लेकिन हम इनको दर्द को कितना हो बताएं तो शायद हम नहीं बता सकते हैं। और मुझे भी इस दर्द को देखने के बाद आंखों में आंसू आ जा रहा है और मेरी आंखें नम हो जा रही हैं। हम क्या बताएं, स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये लोग का देखिए ना बिस्तर है ना कुछ भी है, और घर पे जब सिरहानी नहीं मिलता है ना तो मार हो जाता है। क्या भाई, घर पे सिरहानी नहीं मिलता है तो क्या होता है? मार हो जाता है। मार हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या सिरहानी लगा रहे हैं? कमर लगाए हैं, कंबल लगाए हैं, बेग लगाए हैं ना जी? यस बेग और कमर लगाए दोनों लगाए हैं। इन लोगों को दर्द देखने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत बुझा रहा है। बहुत बुझा रहा है लग रहा है ना, कि घर पे रहते तो ये सब दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती? नहीं ये सब दिक्कत नहीं झेलना। जो लोग घर में ताला मारते हैं ना वो ताला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस बैग में मारा है लोग, ये भाई साहब लोग बैग में ये ताला मारे हैं जो कि दरवाजा पे लोग ताला लगाता है। हम क्या बताएं, क्या ही बताएं ये बेचारों। अच्छा ये बताइए घर पे कोई सब्जी वब्जी काटे हैं कि नहीं? कभी नहीं काटे हैं, कभी सोचे भी नहीं है घर पे सब्जी काटेंगे। अच्छा कभी सोचे भी नहीं है। तब तो वाइफ को खाना नहीं बनाना पड़ेगा? क्यों नहीं बनाएगी, कहेगी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। वो बनाते हैं वो अलग का बात है, जब उसको लाए तो खाना जरूर बनाएगी। आप दिखा सकते हैं बेचारों से सब्जी सही से नहीं कटा रहा है, लेकिन कांपते कांपते काट रहे हैं, मजबूरी है खाना बनाना ना। क्या कीजिएगा, इनके दर्द को बे आदमी नहीं कर सकता है। और शायद जो लोग हम लोग कपड़े को एक बेहतर रूम में हैंगर में टांगते हैं या अच्छा तरीका से उसे रखते हैं, ये भाई लोग इधर उधर फेंके हैं, इसलिए क्योंकि इनके पास रखने का जगह नहीं है। ये दिखा सकते हैं किस तरह बैग कहीं फेंका हुआ है, कहीं कुछ फेंका हुआ है। हम क्या ही बताएं, इन लोगों के साथ मिलने का ही कुछ मज़ा अलग है। आप भी इनका दर्द देखिएगा तो आपके भी आँखों में आंसू आ जाएगा। और ऐसे ही कोई DMSP जज नहीं बन जाता, बनने के बाद सब कोई बधाइयाँ देते नहीं थकते, लेकिन इस दर्द को कोई नहीं दिखाता। आज पटना में तैयारी कर रहे 6-7 सालों से बच्चे आज रोड पे लाठियाँ खा रहे हैं। इतना दिनों से अपना समय व्यतीत करने के बाद भी उनको लाठियों का सामना करना पड़ रहा है, और इनकी भी दर्द आप देखेंगे और सुनेंगे तो आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। और इन लोगों के साथ आने के बाद पुरानी यादें ताज़ा हो गई, क्या ही बताएं। बाकी आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा।